इयत्ता 10वीं विषय हिंदी पहली इकाई धड़ा पहला भारत महिमा स्वाध्याय। शब्द संसार, उपहार, भेंट, हरिकार, हीरो का हार, आलोक, प्रकाश, व्योम, आकाश, तम, अंधेरा, संस्कृति, संसार, विपन्न, निर्धन, टेव, आदत, मुहावरा, निछावर करना, अर्पण करना, समर्पित करना। प्रश्न एक, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। एक, कहीं से हम आए थे नहीं। उत्तर, भारत में रहने वाले भारतवासी कई ओर से यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं। भारतवासियों की जन्मस्थली भारत ही है, सभी भारतीय यही के निवासी हैं। दोन, वही हम दिव्य आर्य संतान। उत्तर, सभी भारतवासी उन्हीं दिव्य आर्यों की संतानें हैं, जिनके रक्त में साहस व शक्ति का संचार होता था, जो ज्ञान व शांति की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। प्रश्न दोन, उचित जोड़ियां मिलाइए। संचय, सत्य, अतिथि, रत्न, वचन, दान, हृदय, तेज, देव। उत्तर, एक संचय, दान, दोन सत्य, वचन, तीन अतिथि, देव, चार हृदय, तेज। प्रश्न तीसरा, लिखिए। एक, कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम, लोहा, स्वर्ण। प्रश्न दूसरा, भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं, दानशीलता, अतिथि सत्कार। प्रश्न चौथा, प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत कविता की प्रथम दो पंक्तियाँ मेरी पसंदीदा है। कवि भारत देश की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों का उपहार हिमालय के आंगन अर्थात भारतवर्ष को ही देता है। उषा हंसकर भारतवर्ष का अभिनंदन करते हुए हीरो का हार पहनाती है। यहाँ कवि ने प्रातःकाल हिमालय की बर्फ पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को हीरो के हार की उपमा दी है, क्योंकि किरणों के कारण बर्फ हीरे की भांति चमकता है। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। एक, रचनाकार का नाम। उत्तर, जयशंकर प्रसाद। दो, रचना का प्रकार। उत्तर, कविता। तीन, पसंदीदा पंक्ति। उत्तर, हमारे संचय में था दान, अतिथि से सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज प्रतिज्ञा, में रहती थी टेव। चार, पसंदीदा होने के कारण। उत्तर, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमारे गौरवपूर्ण इतिहास और संस्कृति का वर्णन किया है। यहाँ कवि ने भारतवर्ष की विभिन्न परंपराओं व भारतवासियों की प्रकृति की विशेषताओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, जो संपूर्ण विश्व में भारत देश की महानता को प्रदर्शित करती है।
5 रचना से प्राप्त संदेश। उत्तर, इस रचना से हमें अपने देश की संस्कृतियों व परंपराओं पर गर्व करने और अपने वतन के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने को हमेशा तत्पर रहने का संदेश मिलता है।